वह राजनीति थी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है, काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, आज सशक्तिकरण की राजनीति है, आज महिला सशक्तिकरण की राजनीति है, आज युवा सशक्तिकरण की राजनीति है, आज किसानों के सशक्तिकरण की राजनीति है। आज जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जिसको कोई पूछता नहीं था, वोट का आधार मानता था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और सशक्तिकरण का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनकी नीतियों ने किया है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो हम जानते हैं 5 साल पहले वहां भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, आतंकवादी दंडनाते थे, उनको नेताओं का संरक्षण मिलता था। लेकिन योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके वहां पर भयमुक्त समाज और भयमुक्त प्रदेश बनाने का काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी मैं नतीजे देख रहा था, हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई, जो माफिया राज दंडनाते थे वह जेलों में बंद है, जो लोग भय का वातावरण बनाते थे वह आज खुद भयभीत है। यह परिस्थिति आज योगी जी ने की है, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए और उनका भी हम धन्यवाद करें। अगर हम मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो और काम करो, पूर्व को संभालो और मुख्य धारा में शामिल करो। 50 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में आपका प्रवास हुआ है और आपने उनके दर्द को समझा है और उनको राहत दिलाई है और मुख्य धारा में उनको लाए। यही नॉर्थ ईस्ट बंद ब्लॉकेड के लिए जाना जाता था, आज शांति और विकास के लिए जाना जाता है। और मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यह भी हम दोबारा जीत करके आ रहे हैं, पहली बार मौका मिला और यहां भी विकास हर दृष्टि से हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड अगले दशक उत्तराखंड का होगा, इसको उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, समझा है, जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई है। मित्रों, अगर मैं ये हम सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के और नजदीक बैठे हैं, ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। जो 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देकर डबल डोज उनको तैयार किया है, जब पाश्चात्य देश मुसीबत में अपने आप को पाते हैं तो 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित दिखता है, इस बात को भी हमको याद रखना है। आर्थिक स्थिति में जो विकास हुआ है कोरोना के पश्चात, आज भारत की आर्थिक स्थिति जिसको दुनिया के मान रही है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह भी दूरदृष्टि बताती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, मैं इस मंच से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सभी केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं अपने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर अथक प्रयास किया, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विस्तारक, क्या हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, सबने अपना पूरी ताकत लगाई और आप
की जमीन पर मेहनत रंग लाई और मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने में आपने अपना योगदान दिया। मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।